अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को खुशामदीद। हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे जिसका कि थीम था सर्कुलर मोशन। अभी तक हम जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखा, दैन हमने एंगुलर वेलोसिटी को देखा, दैन हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को देखा था, और फिर हमने इन सब का म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होता है, इनका आपस में ताल्लुक क्या होता है वो देखा। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका कि थीम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह आपको आता है कि डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डराइव इट्स फॉर्मूला और इट्स रिलेशनशिप। तो आज हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को देखना है। सबसे पहले तो क्लियर करें इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आप लोगों ने याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी के या पार्टिकल के नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करने के लिए दरकार होती है। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहती है तो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स ज़रूरत होती है या जिस फोर्स ने उसको हेल्प करना है सर्कुलर पाथ में मूव करने में, उस फोर्स को हम कहते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास एम है। अब इसकी अगर मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी देखूँ तो अलोंग दी टेंजेंट होती है, ये एक स्ट्रेट पाथ है। टेंजेंट का मतलब होता है कि आपके पास सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके वो लाइन गुजर गया, तो मतलब ये अलोंग दी टेंजेंट है। अब ये बॉडी चाहेगी मूव करना अलोंग दी टेंजेंट नॉर्मली स्ट्रेट पाथ में, लेकिन अगर इसके ऊपर एक फोर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता हूँ जो टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल लग रही है या अलोंग रेडियस लग रही है, जिसे हम रेडियल फोर्स भी बोलते हैं, तो वो इस बॉडी की जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी उसको किस में कर्व कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, बेंड कर रही है इनटू सर्कुलर पाथ। तो ऐसी मोशन आपके पास कहलाती है सर्कुलर मोशन। और जो फोर्स इस बॉडी को सर्कुलर मोशन करने में मजबूर कर रही है उस फोर्स को मैं नाम देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो मैं कहता हूँ द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। या हमने ये कहा कि ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को ज़रूरत होती है जब वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर या सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहती है। सपोज करें हमारे पास एक बॉडी है और वो बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है। हम इसको इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट है और वो पॉइंट है पॉइंट पी, और वो क्या करता है एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करता है। जब ये पॉइंट सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करेगा तो हम उसकी अगर वेलोसिटीज़ की बात करें तो वेलोसिटी हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि हर पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी अलोंग दी टेंजेंट होती है। हमने ये चीज़ पहले भी की हुई है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है। अब सपोज करें एक बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना चाहती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बॉडी है, एक पार्टिकल हमने कंसीडर किया और वो पार्टिकल क्या करता है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना चाहता है। अच्छा, जब ये पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेगा तो इस ए बी की जो लेंथ है दैट इज आर्क लेंथ होती है, ये एस के इक्वल है, और आर्क लेंथ हमने कंसीडर किया था फॉर वन रेडियन। इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर ये स्ट्रेट लाइन ए बी है तो ये इक्वल होगी रेडियस ऑफ दी सर्कल के। यहाँ पे ओ बी और ओ ए रेडियस ऑफ दी सर्कल है और वो किस चीज़ के इक्वलेंट है, आर के। अब जैसे ही ये पार्टिकल मूव करता है ए से बी पे, मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये पॉइंट ए से बी पे मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। आई रिपीट कि ये एक पार्टिकल है वो पॉइंट ए से बी पे विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी मूव करता है। अब हमें ये पता है कि जब ये ए से बी पे मूव करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ए के ऊपर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने वी वन कह लिया, और पॉइंट बी के ऊपर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है वी टू, लेकिन उस वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस चेंज इन वेलोसिटी को, इस चेंज इन वेलोसिटी को मैं कैसे देख सकता हूँ, जो बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी है इन एक्चुअल वो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम एक्सेलरेशन है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन है बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब यहाँ पे जो जी टाइम है डेल्टा टी, डेल्टा टी असल में वो टाइम है जो बॉडी ए से पॉइंट बी तक मूव करने में लेती है। ये ए से बी तक मूव करने में बॉडी को जो टाइम लगा वो टाइम क्या था आपके पास, डेल्टा टी था। और हमने ये भी कंसीडर कर लिया वेलोसिटीज थी ए और बी, वो वी वन और वी टू है। अब चूंकि हमने ये कहा कि इसकी स्पीड
सेम रहती है, तो मैं ये कंसीडर करूँगा कि वी वन और वी टू दोनों क्या हैं, प्रॉपर है। अब इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, वो डिस्टेंस ट्रैवल हमने कहा था ए से स्टार्ट की बॉडी ने और बी पे मूव की, वो आर्क लेंथ की इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए बी, और वो ए बी इक्वल है एस के, तो मतलब बॉडी ने एस डिस्टेंस कवर किया और उसकी वेलोसिटी चूंकि हमने कहा था कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है, वी स्पीड वी थी, उसको टाइम लगा डेल्टा टी, तो मैं लिख सकता हूँ उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू उस फॉर्मूले से क्या आएगी, डेल्टा टी आ जाएगा एस बाई वी के। अब हमने जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा था सबसे पहले, इसमें मुझे डेल्टा वी और डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए थी टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन, तो डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज इक्वल टू एस बाई वी, इसको हम पुट करेंगे किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर वन में मैंने पुट की तो एक्सेलरेशन क्या बन गया, वी डेल्टा वी बाई एस, जस्ट इक्वेशन नंबर वन में डेल्टा टी की वैल्यू हमने क्या की है, पुट की, तो एक्सेलरेशन आ गया वी डेल्टा वी बाई एस। हमने क्या किया, हमने कंसीडर कर लिया है एक ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये पी क्यू आर किस तरह कंसीडर किया, हमने पी क्यू आर इस तरह कंसीडर कर लिया कि जो मेरे पास लाइन पी क्यू है ये वी वन के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और जो लाइन पी आर है ये वी टू के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। लाइन पी क्यू दिस इज पैरेलल एंड इक्वल टू वी वन, एंड जो हमने पी आर ड्रॉ किया हुआ है ये आपके पास क्या है, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है V2 के। अब मुझे ये पता है कि OA, इस फिगर में अगर देखें OA और V1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकता हूँ चूंकि V1 को PQ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो OA और जो PQ है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेम OB और V2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा ही है OB और V2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि PR और OB एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन गई, एक ट्राइंगल बन गई ओ ए पी और दूसरी ट्राइंगल बन गई पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में जो चीज़ सिमिलर मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि यहाँ पे इस ट्राइंगल में वी वन और वी टू, चूँकि हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, ये दोनों बराबर थी, वी वन इज इक्वल टू वी टू दैट इज इक्वल टू वी, और इस ट्राइंगल में ओ ए और ओ पी दोनों बराबर हैं, वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम बोलते हैं ये आइसोसेलस ट्राइंगल्स हैं, ऐसी ट्राइंगल्स जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलस ट्राइंगल कहलाते हैं, और इनकी जो इक्वल आर्म्स हैं, इक्वल आर्म्स फॉर एग्जांपल ओ ए ओ बी और वी वन वी टू, या इसको पी क्यू पी आर कह लें, इनके दरमियान जो एंगल्स बनते हैं ये एंगल्स भी सेम हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलस ट्राइंगल्स कहलाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आइसोसेलस ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल हों, फॉर एग्जाम्पल ओ ए और ओ बी इक्वल है, इधर से पी क्यू और पी आर इक्वल है, और अगर इनकी दो साइड्स इक्वल हैं तो इनकी इक्वल साइड्स के या इक्वल आर्म्स के दरमियान जो एंगल बनते हैं वो एंगल सेम होते हैं। इस चीज़ का मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंगल थीटा वन बनता है, यहाँ पे एंगल थीटा टू बनता है, तो थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था थीटा तो बराबर होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस, आई रिपीट वो बराबर होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो अगर मैं इस फिगर को लिखना चाहूँ, इसके लिए जो आर्क लेंथ आएगी वो आएगी ए बी, और उसको डिवाइड कर दें ओ ए से या ओ बी से, क्योंकि आर्क इक्वल है, तो मैं सिंपल लिख लूँगा ए बी बाय आर, और इसके लिए क्या लिखूँगा, डेल्टा वी बाय वी वन लिख लें या डेल्टा वी बाय वी टू लिख लें, लेकिन हमने कहा था वी वन और वी टू बराबर है, जिस तरह ओ ए और ओ बी बराबर थी और उसको आर लिख दिया था, तो वी वन और वी टू बराबर है, इसको मैं वी लिख सकता हूँ, मतलब ये दोनों बराबर आ जाएंगे आंसर, तो डेल्टा वी बाय वी बराबर आ जाएगा ए बी ओवर आर। तो मैं इसको कैसे लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू ए बी बाय आर, ये अब हमारे पास आ गया आइसोसेलस ट्राइंगल। यहाँ से मेरी रिक्वायरमेंट थी डेल्टा वी की वैल्यू, तो जस्ट इस वी को उठा के उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने जैसे ही वी को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास बन गया डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू एस बाई आर। अब ये इसको इक्वेशन फाइव कहा, इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर इस डेल्टा वी में पुट कर देना। अच्छा, हमने जैसे ही इसको पुट किया तो इक्वेशन बन गई वी डेल्टा वी की जगह वी एस बाई आर ओवर एस। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दें, ये ऊपर क्या हो रहा है वी स्केयर एस हो गया, ये वी वी से मल्टीप्लाई होगा तो वी स्केयर एस हो गया, और ये वाला एस मुझे पता है ऊपर जाके इस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा वी स्केयर एस बाय आर एस। ये क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू वी स्केयर एस ओवर आर एस। ये एस और एस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो जो फार्मूला बन जाएगा उसको मैं बोलता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ था एफ इज इक्वल टू एम ए, चूँकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं तो एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। अब ए सी की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद है, ए सी इज इक्वल टू वट
एसी मुझे पता है वो वी स्केयर बाई आर के इक्वल है, तो इस एसी की जगह वी स्केयर बाई आर पुट किया तो फार्मूला हमारे पास बन जाता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। ये फार्मूला है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब इस फार्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ा हुआ है जो वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा के इक्वल होता है, इस फार्मूले में इस वी स्केयर की जगह आर ओमेगा पुट किया जा सकता है। देखें हमने पढ़ा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो उस फार्मूले में हमने क्या किया, जस्ट हमने वी स्केयर की जगह पुट कर दिया आर ओमेगा, एम आर ओमेगा का स्केयर ओवर आर, इसको फर्दर सॉल्व किया तो बन गया एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर आर, आर आर से कैंसिल हो गया तो फार्मूला बन गया एम आर ओमेगा का स्केयर। यहाँ तक तो आप लोगों ने लाजमी फार्मूला तैयार करना है, क्योंकि यहाँ तक ये बुक में लिखा हुआ है, इतनी डेरिवेशन आप लोगों ने लाजमी करनी। आगे कुछ एम सी क्यूज के लिए या एंट्री टेस्ट लेवल के लिए भी चीज़ें हैं तो वो आप लोगों ने याद रखनी। यहाँ पर मुझे पता है ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, और थीटा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 2 पाई के इक्वल है और टी टाइम पीरियड के इक्वल होता है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड या रेवोल्यूशन के लिए लिखे तो ओमेगा बराबर है 2 पाई बाई टी। अब जस्ट इसी इक्वेशन में ओमेगा की जगह आप 2 पाई बाई टी पुट करते हैं तो एफ सी बन गया एम आर ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी का स्केयर, तो ये बन गया एम आर 4 पाई स्केयर बाई टी स्केयर विच इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर एम आर। जस्ट मैंने अपनी आसानी के लिए 1 बाई टी स्केयर को अलग लिख लिया। मुझे पता है जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होती है 1 बाई टी के, और अगर 1 बाई टी स्केयर इक्वल करने तो वो बराबर होगा एफ स्केयर के, तो जस्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये फार्मूला बन गया 4 पाई स्केयर एम आर एफ का स्केयर। देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, अब मुझे पता है ऐसा एक्सेलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा होता है उस एक्सेलरेशन को मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलता हूँ। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूँ, मैं कहूँगा द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब ये ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि इंस्टेंटेनियस है, और किस ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का है जो यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है या अलॉन्ग रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो आप लोगों ने याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियल फोर्स होती है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने ड्राइव किया वी स्क्वायर बाय आर। अब इसमें भी फर्दर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट किया जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा आर स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर आर, आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो बाकी आपके पास रह जाएगा ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। ये फार्मूला यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है। फर्दर ओमेगा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन अगर हम पुट करते हैं तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, ए सी इज इक्वल टू आर 2 पाई बाई टी स्केयर, ये बन जाएगा 4 पाई स्केयर आर ओवर टी स्केयर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई स्केयर आर इंटू 1 बाई टी स्केयर। अब 1 बाई टी स्केयर इक्वल होता है एफ स्केयर के, इसको इन टर्म्स ऑफ एफ स्केयर कैसे लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर आर एफ का स्केयर। डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो एक चीज़ ये होता है अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द सर्कल, हम पहले ही कह चुके हैं कि ये अलॉन्ग द रेडियस होता है, इस वजह से इनको रेडियल फोर्स या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। अब मैं अलॉन्ग द रेडियस कहूँ या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कहूँ, ये रेडियस की तरफ लग रही है, इनका वेलोसिटी के साथ एंगल बनता है 90, क्योंकि वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट होती है, तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी भी ये ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास ठीक है, अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर कह लें या फिर परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी कह लें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब हमें पता है कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी जिसका मैस एम था, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स इसको पुल करती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, तो एक रिएक्शनल फोर्स भी तो लगेगी जो इसको सेंटर ऑफ द सर्कल से अब ये मूव करवाने की कोशिश करेगी, कि सर्कुलर पाथ में मूव ना करे, तो उस फोर्स को रिएक्शनल फोर्स को मैं बोलता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन एक्चुअल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इट इज़ द रिएक्शनल फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं क्या कहता हूँ, द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको एफ जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस एम वी स्केयर बाय आर। कुछ की पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने, नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, आप लोगों ने याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करते, रीजन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म जीरो वर्क, ये आप लोगों ने याद रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस भी नहीं कर सकती, रीजन क्या है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर, हमने ये पढ़ा था। और अगर आपसे पूछ लीजिए व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो हमने कहा था जो
वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रह रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम क्या करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कॉलेज के कंटेक्ट नंबर्स या LMS के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप सब लोगों का अल्लाह ताला हामी व नासिर हो, और कोशिश कीजिए आप लोग जितनी मेहनत कर सकते हैं मेहनत कीजिए, क्योंकि यही प्राइम टाइम है बच्चा लोग आप लोगों के लिए। इस प्राइम टाइम को आप जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो अचीवर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो हमेशा उस वक्त ज़्यादा काम कर रहे होते हैं जब बाकी दुनिया रेस्ट कर रही होती है। तो ये जो आपके पास लॉकडाउन का फेज़ है, आपके रिजल्ट में इसी फेज़ ने 50-100 मार्क्स का डिफ्रेंशिएट करना है, और एक टॉपर में और एक आम बच्चे में इन्हीं डेज ने डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना है। तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।